बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 अगस्त को संभावित आगमन को लेकर बुधवार को आईजी वाराणसी रेंज एसके भगत एवं मंडलायुक्त दीपक कुमार ने गहमर में स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि का क्रम जारी है। रेवतीपुर के साथ ही गहमर क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ का दौरा करने के लिए सीएम योगी का 13 अगस्त को गहमर में आगमन संभावित है। इसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। आज अधिकारियों द्वारा गहमर के कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आईजी रेंज वाराणसी एसके भगत एवं मंडलायुक्त दीपक कुमार द्वारा गांव के पश्चिमी तरफ स्थित स्वर्गीय योगेश्वर सिंह फुटबॉल मैदान को हेलीपैड एवं गहमर इंटर कॉलेज परिसर में ही बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री का संवाद एवं राहत पैकेट वितरण कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही अधिकारी द्वय ने बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते हुए लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को जाना और उनका समाधान कराने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए। अधिकारियों ने पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां कामाख्या धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजन किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, सेवराई SDM रमेश चंद्र मौर्य सहित स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।